अंकिता की कितनी काली जुबान है ना। एक्चुअली मैं विकी जो है मुझे जब उसने मनारा को ये बात बोली थी कि गोद में सो तो उठ जा, उस वक्त विकी मुझे बहुत गंदा लगा था। बट विकी ने गेम बहुत अच्छी खेली है। विकी जो है काफी दिमागिया बंदा है और अच्छे नेचर का बंदा है, जॉली बंदा है। पर ये अंकिता लोखंडे जो है कितनी काली जुबान की है। अब उसकी काली जुबान के कारण जो है आज कहीं ना कहीं उसका पति जो है इस घर से बेघर हो चुका है। एक चीज आप लोगों को बताती हूँ, जो चीज दोपहर को हुई उसने अपने पति को बैग पैक करने के लिए बोल दिया। अब लोग जो है सोशल मीडिया पर मीम्स बनाते हैं अंकिता लोखंडे के कि मुंह से खून निकल रहा है और ये पूरी डायन है, इसको और आयशा को जो है डायन बोला जाता है, इन दोनों में जो है भूत है, ये लोग डायन वगैरह हैं। और जो रही बात अब अंकिता की, अंकिता जो है सो रही थी, लेटी हुई थी और उस वक्त बोल रहे थे क्या करें क्या करें यार, अब तो कुछ भी रहा ही नहीं है, कोई मुद्दे नहीं रहे, कुछ बातें नहीं रही करने वाली, करें तो करें क्या। तो इतने में ही जो है जाके विक्की भैया मजाक करते हैं अरुण से कि भाई अरुण जा अभिषेक के पास, वो तुझे बुला रहा है। तो अरुण ने बोला क्यों, बोला वो बोल रहा है कि मुझे अरुण भैया से लड़ना है। इतना वहां पर मजाक कर ही रहा होता है कि अंकिता लोखंडे बोलते हैं कि तेरे को और कुछ काम नहीं है, तू जा अपने कपड़े पैक कर, और कुछ काम नहीं है। तो अब अपने तो कपड़े इसने पैक नहीं किए थे, पर अपने पति के कपड़े वो पैक करवा रही थी। और ये चीज़ अगर आप लोग पूरे दिन से देख रहे हैं, मेरी वीडियोस अगर देख रहे हैं लगातार जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ गॉसिप, तो मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया है, दोपहर को मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। सोचिए अब जो है विक्की भैया निकल गए हैं घर से बाहर, हालांकि ये तो निकलना भी एक तरफ का अच्छी बात है कि जो नागपड़ा का राइडर है जिसने जो बातें बोली थी कि तेरे को टनल तक छोड़ गया आऊंगा लाला, तो वो टनल तक छोड़ दिया है। पर पत्नी की काली जुबान से पति यहां पर आते आते जो है हाथ धो बैठा। अब आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।